वेलफेयर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जब दो परमाणु के इनकम्प्लीट दो ऑर्बिटल जब पास पास आते हैं तो दोनों के बीच क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, एक नया ऑर्बिटल बनता है, यानी उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है जिससे कि क्या एक नया ऑर्बिटल बनता है और यह नया ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। अब इन अणु कक्षक दोनों परमाणु के अणु नाभिक के चारों ओर से क्या करता है, उसको घेरता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में पेयर्ड होते हैं दोनों नाभिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। यह जरूरी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार जो रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनता है वो दोनों अलग अलग एटम से ज़्यादा स्टेबल होता है और परमाणु कक्ष के समान मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जो है जो इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम है वो पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं और इस प्रकार एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में केवल दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के ही एक साथ रह सकते हैं। जब दो परमाणु में परस्पर ओवरलैपिंग होती है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और उनमें जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनकी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जाओं से क्या होती है, कम ऊर्जा होती है और एंटी बॉन्डिंग जो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनकी जो है जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है। अब दोनों नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है दोनों परमाणुओं पर क्या रहते हैं, डिफ्यूज रहते हैं, फैले हुए विस्तृत रहते हैं और उनमें दोनों में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके मेन पॉइंट्स इस प्रकार है कि सबसे पहले बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के जो संयोजी कक्षक है उनके इलेक्ट्रॉन सदैव क्या करते हैं, एक पेयर रूप में मतलब संयोग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर रूप में होने चाहिए, युग्म रूप में होने चाहिए, वो ही आपस में संयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पेयरिंग में संयोग करने वाले एटम्स का एक परमाणु कक्षक अवश्य क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, यानी भले ही वो क्या हो, मूल परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या ना हो, हमेशा वो क्या करेगा, उसका परमाणु कक्षक क्या होता है, पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा क्या है कि परमाणु कक्षक के संयोग से प्रत्येक युग्म प्राप्त करने के लिए जो कंडीशन है वो यह है कि फर्स्ट कि जुड़ने वाले या संयोजित या कंबाइन करने वाले कक्षक की ऊर्जाएं लगभग क्या होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए। दूसरा, ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स का जो संयोजित होने वाले ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग करना आवश्यक है। तीसरा, इन कक्षकों की जो है सिमेट्री है वो भी समान होनी चाहिए, समान सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स ही आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन या संयोग कर सकते हैं। फोर्थ, कुल बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या संयोजित होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कुल संख्या के बराबर होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ मतलब एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इस प्रकार जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की आधी संख्या क्या होगी, बॉन्डिंग में होगी और आधी संख्या क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी। और फिफ्थ पॉइंट इज, सभी अणु कक्षकों को उनके बढ़ते ऊर्जा क्रम में अरेंज किया जाता है, फिर सभी इलेक्ट्रॉनों को जो सबसे पहले संयोजी कक्षक में उपस्थित थे तो उन्हें आफ्टॉप प्रिंसिपल और पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फॉलो करते हुए वापस क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये दोनों सिद्धांत हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते हैं व्हाट इज आफ्टॉप प्रिंसिपल एंड पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या दो हो सकती है और यदि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या अणु कक्षकों को भरने के लिए इनसफिशिएंट हो तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का प्रभाव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, उसके बाद ही एंटी बॉन्डिंग होती है, इसलिए बोले एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हर कक्षक में जाना जरूरी होता है, उसके बाद ही उसकी एंटी बॉन्डिंग शुरू होती है। इसलिए पहले इस ऐसी केस में जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो तो सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी
उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो इसलिए एंटीबॉडी की तुलना में उसका इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। फलस्वरूप परिणामी प्रभाव भी क्या हो जाता है, एंड उसका जो बॉन्डिंग का वो ज्यादा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द्वारा लेंगे कि परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग द्वारा अणु कक्षकों का बनना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना हम एक सिस्टम हाइड्रोजन द्वारा समझ सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं, दो एटम में केवल क्या है, दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इनके जो कोवलेंट बॉन्ड बनने की स्थिति को हम इस तरह समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में दो एटम है, एच ए और एच बी, ए और बी हम दोनों ने दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए लिखा है, बीच में क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड है। अब हमने जैसे पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि उसमें जो ग्राफ से समझाया था कि एच ए वन एस और एच बी वन बी एस के बीच अगर पॉजिटिव साइन है तो वो क्या बता रहा है, दोनों न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी में जो है वृद्धि को यानी इंक्रीज को बताता है। और दूसरे समीकरण हमने देखी थी कि उनके बीच में क्या था, एच ए और एच बी के बीच में नेगेटिव साइन था, इट मीन्स वो एंटीबॉन्डिंग थे और उनके बीच क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कमी को दर्शाता है। इस प्रकार नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व में जो वृद्धि है वो क्या बता रहा है, मोले उसको बॉन्डिंग को यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण अवस्था को दिखाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी यानी एंटीबॉन्डिंग यानी क्या बताता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या रिपल्सिव स्टेट को दिखाता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपन होता है, या ओवरलैपिंग क्या हो रही है, एक्सियल हो रही है, तो क्या होता है, रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या कहलाते हैं, उसमें जो बॉन्ड है वो क्या कहलाता है, सिग्मा ऑर्बिटल कहलाता है, और बनने वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। दूसरी ओर यदि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जो पैरेलल या साइड से जो ओवरलैपिंग होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई ऑर्बिटल कहलाता है, और इनके बीच बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। तो पाई बॉन्ड कौन कौन सा हो सकते हैं, पी वाई के बीच, पी जेड के बीच, और इनके जो ओवरलैपिंग होती है इनके बीच बनता है क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, एस एस के बीच, एस पी एक्स के बीच, और पी एक्स ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इन जो ऑर्बिटल्स द्वारा बने हुए, अब इन ऑर्बिटल से जो बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको अगर हम बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में रखते हैं यानी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में रखते हैं तो इस प्रकार हम उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। पर सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटीबॉडी 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटीबॉडी 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, देन पाई 2pz, पाई एंटीबॉडी 2py और पाई एंटीबॉडी 2pz by antibody 2px। इस तरह से हम इसके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब हम इस तरह इसको इस फिगर से आप ये देख रहे हैं कि फिगर 1.13 क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर को बता रहा है। इसको हम देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया है ऑर्बिटल्स को, 1s, फिर इसका सिग्मा 1s सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, इसी तरह से 2p में भी सिग्मा 2px, देन सिग्मा 2py, सिग्मा 2pz, और सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2py, सिग्मा पाई एंटीबॉन्डिंग 2py एंड पाई एंटीबॉन्डिंग 2pz, इनकी एनर्जी क्या है, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2px से कम है, तो इसको हम पहले रखेंगे, उसको हम बाद में रखेंगे। पर जब 2s और 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर मिक्स कर दें और उसका ओवरलैपिंग के बाद जो उसका होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऊर्जा स्तर है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा कि पाई 2py, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो पाई 2py एंड पाई 2pz नीचे आएगा, सिग्मा 2px क्या होगा, ऊपर होगा।
इनको दोनों को क्या किया है, 2s और 2px के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर मिक्स कर दें आफ्टर द ओवरलैपिंग, एनर्जी लेवल इस तरह चेंज होगा और देन जो है इसकी वही रहेगा कि पाई एंटीबॉन्डिंग टू पी वाई की, पाई एंटीबॉन्डिंग टू पी एक्स की जो एनर्जी लेवल है वो सिग्मा एंटीबॉन्डिंग टू पी एक्स से कम रहेगी। इस तरह से हम इसको बढ़ते हुए एनर्जी लेवल से उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स को हम इसको अरेंज करते हैं। अब इसको जो क्या बता रहे हैं एक्सपेरिमेंटल जो है रिजल्ट्स है वो ये बताते हैं कि सिग्मा टू पी एक्स मोलिकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड मोलिकुलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, जैसे कि हमने फिगर में देखा था। इस प्रकार जो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें जो है परमाणु क्रमांक जिनके क्या है परमाणु क्रमांक 7 तक जिनके एटॉमिक नंबर 7 है उनकी जो है समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु यानी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि के मोलिकुलर ऑर्बिटल का कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन अणुओं के परमाणुओं में परमाणु कक्षक 2s तथा 2px एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा होते हैं और इनके एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, यानी 2s इक्वल टू द 2px। फलस्वरूप इनका क्या होता है मिक्सचर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी आपस में ये मिक्स हो जाते हैं एनर्जी लेवल डिफरेंस कम होने की वजह से। तो अतः अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 परमाणु से संबंधित होती है, तब ये नियम निम्न नियमों का अपने विभिन्न अणु में विभिन्न अणु कक्षकों से में भरे जाते हैं। यदि क्या सबसे पहले ये नियम है कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल सबसे पहले कंप्लीट होता है, दूसरा कि एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है 2 हो सकती है। यदि समान ऊर्जा स्तर पर 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी पेयरिंग केवल समान ऊर्जा के प्रत्येक कक्षक के पश्चात संभव होगा, जो एकल क्या होते हैं प्राप्य होते हैं, ठीक है। एंड मोलिकुलर जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है यानी NB कहेंगे इसको, और एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जिसको NA कहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों को पृथक रूप से गिना जाता है। यदि क्या हो जो है एंटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तो मोलिकुलर क्या होगा उसमें स्टेबल होगा। यदि क्या है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से क्या हो कम हो तो क्या होगा मोलिकुलर जो बनने वाला जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या होगा इनस्टेबल होगा। ये कंडीशंस क्या है दोनों की बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है। हम देखते हैं व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, कि एक बॉन्ड ऑर्डर यानी बंद कोटि क्या है, कि एक जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्डों को क्या कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है, यानी एक जो क्या है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें जितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो क्या कहलाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कहला जाता है। इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द हाफ एन पी यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एन ए यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB माइनस NA से शो कर सकते हैं, यानी NB यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और NA यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 या 3 यानी कैसे क्या होंगे जितने इसमें नंबर ऑफ क्या बॉन्ड होंगे कोवलेंट बॉन्ड होंगे एकल एक होगा दो होगा तीन होगा उसके अनुसार जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतने ही इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, 2 या 3, ठीक है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है फ्रैक्शन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो बॉन्ड ऑर्डर यानी क्या बताता है उसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर सेम, दोनों में अगर सेम होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी बॉन्डिंग में और एंटीबॉन्डिंग में तो क्या हो जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा शून्य होगा, और बॉन्ड ऑर्डर का मान शून्य से कम उस अणु के अस्तित्व का नहीं होना प्रदर्शित करता है,
यानी जीरो होगा तो दोनों की संख्या बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम को समान को दिखाता है, और अगर नहीं है शून्य से कम है इट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जबकि जो फ्रैक्शन वैल्यू है प्लस हाफ अणु के अस्तित्व को दिखाता है, लेकिन ये बताता है ये अनस्टेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस, हीलियम टू प्लस, ये प्लस साइन क्या है प्लस हाफ का दिखाता है, उसके अनस्टेबिलिटी को शो करता है। यदि किसी अणु का बॉन्ड ऑर्डर इसकी जो है डिसोशियल जो है बॉन्ड किसी भी अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी बॉन्ड की डिसोशिएशन एनर्जी के क्या होती है समानुपाती होता है, और उसकी बॉन्ड लेंथ के क्या होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितनी डिसोशिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ऑर्डर का मान ज़्यादा होगा, और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा कम होगा। हम देखते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यदि किसी अणु में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है तो पदार्थ क्या होगा उसका प्रतिचुंबकीय होगा, और यदि अणु में एक या इलेक्ट्रॉन क्या है यानी डायमैग्नेटिक कर सकते हैं इसको, कि जब एक एक अणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया हमने, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है दो इलेक्ट्रॉन है 1s1 1s1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं सिग्मा 1s2। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 1+1 2 के बराबर है, और हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सिग्मा 1s2 के बराबर है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हाफ Nb-Na जैसा हम अभी हमने पढ़ा है, तो हाफ क्या हो जाएगा 2- एंटीबॉन्डिंग इसमें नहीं है तो क्या होगा 0, यानी 2/2 = 1। बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा 1 होगा। और हाइड्रोजन आयन में क्या होगा हाइड्रोजन अणु आयन में क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ 2, एंटीबॉन्डिंग क्या हो जाएगा 1, तो इसमें क्या हो जाएगा जो है सॉरी क्या नाम है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है इसमें 2-1 = क्या हो जाएगा 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या सिग्मा 1s1, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हाफ, और इसमें जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है एंटीबॉन्डिंग 0 है तो क्या हो जाएगा इसका हाफ। अब ये हाफ क्या दिखा रहा है कि इसमें ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर हाफ है तो ये अनस्टेबिलिटी को शो करता है, और इसको क्या है बता रहा है कि ये इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं हीलियम का। हीलियम का क्या दिखा सकते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा हीलियम 1s2 1s2, और बनने के बाद क्या होगा इसका सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s2। बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा हाफ, इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन बॉन्डिंग एंड एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सो बॉन्ड ऑर्डर इज 0, इसलिए क्या हो गया इस अणु का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ लिथियम मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा कि इसमें एक क्या है एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में, अतः लिथियम 2s1 + lithium 2s1 मॉलिक्यूल बनेगा एल लिथियम 2 sigma 2s2। अब इसमें क्या है दो इलेक्ट्रॉन क्या है इसके इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो अणु की क्या हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग में 0 है हाफ 2 इज द बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड 0 इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा 1 होगा, जो कि मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस को दिखाती है। और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। और अनदर एग्जाम्पल इज द सोडियम मॉलिक्यूल। सोडियम मॉलिक्यूल में भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है तो अणु के बनने में यही इलेक्ट्रॉन यूज होता है, तो इस तरह से हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा हाफ, ये बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन 3s1 3s1 एंटी बॉन्डिंग में 0 तो क्या हो जाएगा आगे 1, ये भी इसके अणु के अस्तित्व को दिखाता है। और परंतु हम देखते हैं कि जो सोडियम मॉलिक्यूल है ये क्या हमेशा किसमें रहता है ये वेपर फेज में होता है वेपराइज होता है। एंड अनदर एग्जाम्पल इज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास दिखाता है कि 5 इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन अणु कक्षकों में टोटल क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2n 2s2 2p3 एंड 2 sigma 2s2 sigma antibonding 2s2 pi 2py pi 2pz
एंड सिग्मा प्रक्रिया। इस प्रकार नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है 8 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा, हाफ 8-2 यानी 6/2 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार नाइट्रोजन में क्या है, 3 बॉन्डिंग हो गए यानी 1 सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस प्रकार एग्जांपल ऑक्सीजन अणु में लेंगे कि ऑक्सीजन का क्या मान है, इसका एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2s2 2s2 2p4। इसलिए क्या होगा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 12 होंगे। अब इसको हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं कि 2s2 2p4 ये इसका वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और तो इसको हम कर सकते हैं सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 2px एंड 2py 2pz। इस तरह से पाई एंटी बॉन्डिंग 2py पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाता है, पाई एंटीबॉन्डिंग 2py और पाई एंटीबॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल। इसका कारण ये है कि दोनों जो एंटीबॉन्डिंग जो है ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या है, समान है। तो चूंकि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है इसमें प्रतिचुंबकीय या हम कहेंगे इसको सॉरी अनुचुंबकीय या हम इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक होता है। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, इसमें हाफ 8 इसमें क्या है बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड 4 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी टोटल क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 के बराबर। इसलिए ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक क्या है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें क्या है कि इसलिए ये जो है 4 जो है बॉन्डिंग है और 2 है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, इसलिए नाइट्रोजन अणु से क्या होता है कम स्टेबिलिटी होती है। और स्टेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा मोर एक्टिव इसको शो करता है, मोर एक्टिव इसको शो करता है। और इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन अणु पॉजिटिव ऑक्सीजन अणु तो क्या होगा मॉलिक्यूल, तो O2+ में क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 12-1 यानी 11 हो जाएगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है इस तरह से हो जाएगा। यहाँ बस एक होगा कि जो बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो 8 ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में एक कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2/2। तो ये बताता है कि जो ऑक्सीजन O2+ है वो O2 से क्या है ज़्यादा स्टेबल है, और जो कि क्योंकि इसमें क्या है स्टेबिलिटीज की क्या हो गई ज़्यादा हो गई, इनएक्टिवनेस कम हो गई है। O2+ में क्या एक जो है एंटी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक होता है। इसी तरह से O2+ को हम दिखा सकते हैं, O2- में क्या दिखा सकते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इसका कॉन्फिगरेशन है इस तरह से रहेगा, इसमें जो एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या हो गई है 5 हो गई है। तो 8-5 इसका टू क्या हो जाएगा 3/2 यानी 1/2। ये बॉन्ड ऑर्डर को क्या दिखाती है O2- है, ये O2- का हम डिस्कस कर रहे हैं, ये O2- है जो कि ऑक्सीजन से भी क्या है कम स्टेबल है क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दिखा रहा है जो कि O2- इसमें एक क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया ये एक पैरामैग्नेटिक को शो करता है। इस तरह एग्जाम्पल लेते हैं O2 2-2 का, तो इसमें क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तो क्या है 12 और ये -2+2 हो जाएगी 14। ठीक है, एंड अब इस तरह से हम इसको इलेक्ट्रॉन को 14 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से बढ़ते क्रम में उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हम शो कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा हाफ और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8 ही रहेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन और आ गया है -2 हो गया वो -1 था तो 2 एंटीबॉन्डिंग मतलब एक बढ़ गया, एक एंटीबॉन्डिंग वो बढ़ गया है तो 8-6 यानी 2/2 इक्वल टू 1। 1 तो दिखा रहा है कि O2-2 ये सभी क्या है इनसे जितने भी हमने ऑक्सीजन की अलग अलग देखा है O2 O2- एंड O2 2- इन सबसे क्या ये कम स्टेबल है, यानी क्योंकि ये क्या है डायमैग्नेटिक है, इसमें कोई भी क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के आधार पर ऑक्सीजन के अलग अलग प्रकार के हम बॉन्ड ऑर्डर को उसकी स्टेबिलिटी को और उसकी बॉन्ड लेंथ को
इस प्रकार हम जैसे ये है O2 plus O2, O2 minus O2 minus 2, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से इसकी डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होगी, इधर अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो यानी O2 minus 2 से O2 plus में जाएंगे तो डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और बॉन्ड ऑर्डर का मान ये क्या होगा, इस तरफ यहाँ से इस तरफ को इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह इन दोनों का डिसोसिएशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ अनदर एग्जांपल इज द फ्लोरीन, कि फ्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिग्रेशन है वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p x2, 2p y2, 2p z1 है, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में, 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इस तरह होगा। और इसलिए अब इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 2, 2 बाई 2 इक्वल टू 1। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये आवश्यक है कि क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, इस बात की ये बताता है कि इस बात ये बात की ये प्रूव करता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अधिक स्टेबल क्यों होता है। इसलिए नाइट्रोजन की भांति फ्लोरीन में भी सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, इसलिए ये अणु भी क्या है, उसमें प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है।